प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 भूगोल में पाठ 1 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। यहाँ पे वृक्क किससे संबंधित है? सही उत्तर सी होगा, उत्सर्जन। यह उत्सर्जन से संबंधित है, तो सी को लगाएंगे। यहाँ पर अंग्रेजी में भी आप पढ़ सकते हैं, इन ह्यूमेंस द किडनी इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। देखिए, दोनों को आप ट्रिक से इन शब्द से ही याद रखिएगा। जैसे जा में यहाँ पर आ रहा है जा, जा से याद रखेंगे जल, जल का वाहन। और फ्लोएम में फा आ रहा है, फा से होता है फूड, तो ये भोजन का वाहन करता है। भोजन का वाहन पूछेगा तो फ्लोएम बताएंगे, और जल का वाहन पूछेगा तो जाइलम बताएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तीसरा प्रश्न, स्वपोषी कार्बन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। स्वपोषी, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, किसकी सहायता से वो अपना भोजन निर्माण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफिल भी होना चाहिए, क्लोरोफिल में ही भोजन का निर्माण होता है। सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच इज नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? विकल्प दिया गया है, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या फिर केंद्रक। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न, यहाँ पे पांचवा प्रश्न दिया गया है, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? विकल्प दिया गया है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमिलेज या लाइपेज। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रोटीन इज डाइजेस्ट बाय विच एंजाइम इन द इंस्टेंटाइन? ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 6, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव के 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु का नाम है पाइरूवेट, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल, अमीनो अम्ल। यहाँ पे सही उत्तर ए होगा बच्चा, पाइरूवेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है? 2, 3, 4, 5। तो आपने पढ़ा होगा हृदय में यहाँ पर है ना, 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, तो 4 कोष्ठ में बटा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोएम में पादप उत्तरदायी है जल का वाहन, पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीलो अम्ल का वाहन या ऑक्सीजन का वाहन। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही बता दिया है, फा से होता है फूड, फूड यानी भोजन, भोजन का वाहन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूछा गया है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, 20 mg। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या फिर
श्वेत रक्त कण में। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश। सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 12, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मत्स्य किसके द्वारा यहाँ पर श्वसन की क्रिया करते हैं, त्वचा, फेफड़ा, गिल्स या नाक। यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, गिल्स। गिल्स के द्वारा वो सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, फ्लोएम में, कॉर्टिकस में, छाल में या पुराने जाइलम में। सही उत्तर डी होगा, पुराने जाइलम में संचित रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क, अग्नाशय, आँख या कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, वृक्क जो है वो उत्सर्जी अंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की अभिक्रिया के पश्चात किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का। पाचन के दौरान अमाशय के माध्यम से अम्लीय बनाने का काम कौन करता है, तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम लोग HCl भी बोलते हैं, तो इसे याद रखना है। बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, लिखेंगे क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, तो लिखना है वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम से होता है और यह प्रक्रम क्षुद्रांत में होता है। पांचवा प्रश्न, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह किस रक्त लनिका में होता है, तो ये धमनी में होता है। छठा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य है, तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। और यहाँ पे है सातवां प्रश्न, घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता क्यों होती है, लिखना है घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को सेल्यूलोज के पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। आठवां प्रश्न, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा का क्या उपयोग है, लिखेंगे कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। तो ये था वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं तो भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।